एक बाबा जो सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं, दावा चमत्कार का है तो इससे अलग एक दूसरा दावा इसे ढोंग बताने का है। और इन दावों के बीच उलझी है चमत्कार की वो थ्योरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम है। लेकिन सवाल है कि इस चमत्कार का सच क्या है और बाबा की जो सैकड़ों समर्थक हर रोज उनके दरबार में पहुंच रहे हैं उसके पीछे उनकी आस्था है या फिर अंधविश्वास। सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है बाबा का वो पर्चा जिसमें वो किसी भी अनजान आदमी की पूरी कुंडली लिख देने का दावा करते हैं। जी आज इसी के सच को समझने के लिए रायपुर आपको लेकर चलेंगे जहां बागेश्वर महाराज की सभा हो रही है। तो बागेश्वर धाम का सच क्या है, क्या अंधविश्वास है, चमत्कार है या कुछ और, ये सच आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर धाम चर्चा में तब आया जब धीरेन्द्र शास्त्री को दरअसल एक चुनौती मिली। चुनौती इस बात, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिली कि नागपुर में वो पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्हें ये जो प्रिडिक्शन उनकी ओर से किया जाता है ये किसी और मंच पर किया जाए और उसके बाद ये चुनौती स्वीकार बाबा ने की, लेकिन बाबा वहां नहीं पहुंचे और उसके बाद से ही लगातार बाबा सुर्खियों में छाए हुए हैं। लेकिन लगातार जो दावा किया जा रहा है वो ये कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बाबा छाए हुए हैं, जो कारनामे उनकी ओर से किए जाते हैं, चमत्कार उनकी ओर से किए जाते हैं, वो दरअसल झूठ है, कोई ट्रिक है या कोई तर्क है। और सीधे आपको शालिनी के पास लिए चलते हैं जो रायपुर में फिलहाल मौजूद है, बागेश्वर धाम में मौजूद है, वहां पर वो जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है, चमत्कार है, चमत्कार है तो इसका सच क्या है। ओवर टू शालिनी। बिल्कुल, तो रायपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ सिर खुद ब खुद झुक जाता है, कुछ ऐसी स्थिति इस वक्त रायपुर में यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में मुझे दिखाई दे रही है। भक्तों का यह कहना है विवाद जितना बढ़ेगा आस्था उतनी बढ़ेगी, सवाल जितना खड़ा होगा उतना ही ज्यादा बाबा पर जो विश्वास है वो आगाध होगा। या अंदर पंडाल में जाने के लिए जो लोग जा रहे हैं उन्हें जरा आप देख लीजिए, लाखों की तादाद में कल भी यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, कल दरबार लगाया गया था, आज दरबार भले नहीं है लेकिन रामकथा सुनने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लाखों की संख्या में आज भी भक्त पहुंच रहे हैं। हर किसी ने अपनी अर्जी लगाई हुई है और हर कोई यही चाहता है कि उसकी अर्जी पूरी हो जाए। अब ये चमत्कार कैसे होता है, क्यों होता है, क्या ये संभव भी है, ये भक्तों से पूछ पाना यह किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जैसे भगवान पर सवाल नहीं उठता है भक्तों का यह कहना है, वैसे ही बाबा के ऊपर भी सवाल नहीं उठना चाहिए क्योंकि हनुमान के वो साक्षात रूप है। तो ये बाबा के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा है और ऐसी ही उनकी धारणा है, तो बाबा जो भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है और जो वो बोलते हैं वो जरूर होता है। ऐसा आपने भी देखा है? हाँ। कहाँ से आए हैं? हम लोग रायपुर गुड़ियारी से हैं। मेरा नाम कोमल चंद साहू है, मैं आज लगातार आ रहा हूँ। अर्जी लगाई है? अर्जी लगाए थे नहीं, लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन दुकान चला। आप कहाँ से आई हैं? यही रायपुर से। रायपुर से ही आई हैं? कब से बाबा के दर्शन कर रही हैं? आज आई हूँ पहले। अर्जी लगाई है? मेरे को पता नहीं था ऐसी आ गई है। हाँ? नहीं पता था ऐसी आई हूँ। अच्छा, ऐसे ही देखने के लिए आई। आप कहाँ से पहुँची हुई है? आगे आइए, आगे आइए। कहाँ से आई है? कालीनगर से। कालीनगर से आज पहले दिन आई है? आज पहले दिन। कथा सुनेंगी? हाँ। कभी अर्जी वर्जी लगाई है? आपने लगाई है अर्जी? नहीं। कोई इधर इधर भी जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से पहुँचे हुए हैं? बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। अच्छा, तो राम कथा सुनेंगे? जी। बाबा जो चमत्कार करते हैं उस पर पूरा भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो बाबा के जयकारे मैं जब से यहाँ पर पहुँची हुई तब से सुनाई दे रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th। 10th में बाबा पर भरोसा है? बिल्कुल। परिवार के साथ यहाँ आया? परिवार के साथ आया। तो कैसे 10th में पढ़ने वाले बच्चे तो विज्ञान विज्ञान की बातें करते हैं, अंधविश्वास में भरोसा करना गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ जो चल रहा है वो नहीं है अंधविश्वास। That's a magic and science is a logic. अच्छा। So we must trust in a magic but not in logic. आप कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? यही रायपुर में? रायपुर में पढ़ते हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ। और यहाँ से हम क्लास 10th में आए। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए। अच्छा, बखूबी पता है कि मैजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पहुँचने वाले जो बच्चे हैं उन तक को पता है।